किसान भाइयों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल किसान जंक्शन पर। मेरा नाम रोहित मुंजाल है। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है डबल एफजी क्रॉयलर क्या चीज है, क्योंकि पोल्ट्री ब्रीड के बारे में अगर मैं बात करूं, हम सब किसान भाइयों के कुछ सवाल आ रहे थे कमेंट बॉक्स के अंदर कि सर आप इस पोल्ट्री ब्रीड के बारे में कुछ ना कुछ वीडियो जरूर बनाएं। वेल, मैं बताना चाहूंगा भाइयों कि पोल्ट्री की ब्रीड्स इतनी सारी हैं, मैं सबके ऊपर वीडियो तो नहीं बना सकता, क्योंकि ब्रॉयलर से लेकर, लेयर फार्मिंग से लेकर, क्रॉयलर से लेकर, डबल एफजी से लेकर, इसके बाद बात करता हूँ RIR, ऑस्ट्रालॉप, रोड आइसलैंड, पता नहीं कितनी ब्रीड्स हैं, तो इसके बारे में सबके बारे में तो नहीं बता पाऊंगा। लेकिन आज का जो वीडियो का टॉपिक है मैं आपको बताना चाहूंगा डबल एफजी के बारे में, डबल एफजी क्रॉयलर चिकन के बारे में बताना चाहूंगा। जैसा आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में एक डबल एफजी क्रॉयलर का चिक है, लगभग लगभग 10 दिन का ये चिक हो चुका है। और मैं आपको बताना चाहूंगा किसान भाइयों इसके अंदर क्या वरायटी के अंदर खासियत है, इसकी शुरुआत कब हुई थी और ये जो वरायटी है कितने अंडे देती है, कितने वेट पे आ जाती है, कितने टाइम बाद अंडे देती है और इन सब चीजों के बारे में। वेल, सबसे पहले हम बात करते हैं सन 1990 में मिस्टर विनोद कपूर ने जो है इसकी शुरुआत की थी। उन्होंने दो ब्रीड्स के साथ इसका मिक्सअप करके व्हाइट लेगहॉर्न और रोड आइसलैंड रेड के साथ मिक्सिंग करके इस ब्रीड को तैयार किया था। और इस ब्रीड के बारे में आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि हमारे पूरे भारतवर्ष के अंदर बहुत ज्यादा प्रचलित हो चुका है क्रॉयलर फार्मिंग और काफी सारे किसान भाई इसे कर रहे हैं। मैंने भी कुछ वीडियोस इसके ऊपर डाली है और मैं बताना चाहूंगा एक किस्म का ये देसी जो हमारे पास मुर्गी पालन होता है एक किस्म से उसकी ब्रीड के अंदर आ जाता है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि इसके अंदर और उसके अंदर फर्क क्या है। जो हमारी देसी मुर्गी है उसको प्रॉपर वेट पे आने के लिए लगभग 5 से 5.5 महीने 6 महीने लग जाते हैं, लेकिन इसको वजन के लिए, वेट पे आने के लिए कम समय लगता है, उससे लगभग आधा समय लगता है। मैं बताना चाहूंगा ये ब्रीड वैसे तो मोस्टली मीट पर्पस के लिए, चिकन फार्मिंग के लिए पाली जाती है, लेकिन इस ब्रीड को अगर आप अंडे के लिए रखना चाहें तो अंडे के लिए भी रख सकते हैं। इसकी जो 1 साल की एनुअल जो लेइंग कैपेसिटी है इसकी, लगभग अगर मैं बात करूँ किसान भाइयों तो 150 के आसपास अंडा 1 साल के अंदर ये मुर्गी देती है। और इसके अगर मैं बात करता हूँ कब अंडे पे आती है, ये भी बहुत जरूरी सवाल है। अंडे पे आने का जो इसका टाइम है वो 5.5 महीने के बाद ये मुर्गी अंडे पे आती है। अब आप बात करेंगे कि साल में 150 अंडा देती है और इसके बाद 5.5 महीने में अंडे पे आती है, अब आप कहेंगे कितने टाइम तक अंडा देती है, तो मैं बताना चाहूंगा किसान भाइयों कितने टाइम तक अंडा देती वाली बात तो इसके अंदर लगभग 2.5 साल तक अंडा देने की जो है कैपेसिटी होती है। लेकिन जो टॉप पीक प्रोडक्शन होती है इसकी, जो अच्छा अंडा देने का टाइमिंग होता है, लगभग लगभग 15 से 18 महीने तक ये मुर्गी बहुत अच्छा अंडा देती है, मतलब कि 2 साल की एज तक मुर्गी अच्छा अंडा देती है। इसके बाद इसकी जो एग प्रोडक्शन है वो काफी डाउन आने लग जाती है, क्योंकि जैसे जैसे मुर्गी बड़ी होती जाएगी इसकी एग प्रोडक्शन डाउन आती जाएगी। इसके बाद बात करते हैं हम इसके वजन की, इसका वजन कितना आता है। वेल, वजन की बात करूं जो इसकी फीमेल है उसका वेट लगभग 2.5 किलो के आसपास आ जाता है 5 से 5.5 महीने में, और जो इसका मेल है उसका वजन लगभग लगभग 5 महीने में 3.5 किलो के आसपास आ जाता है। मैक्सिमम वेट जो है फीमेल का 3.5 किलो जाता है और मेल का मैक्सिमम वेट 4.5 किलो जाता है। अब आप बात करेंगे कि आप इसे फीड क्या दे सकते हैं। वेल, फीडिंग के बारे में बताऊं आपको, अगर आप इसे बैकयार्ड फार्मिंग के तौर पर शुरू कर रहे हैं, मतलब घर में कुछ 150 मुर्गी रख के ही आप इसे शुरुआत कर रहे हैं, तो आपके घर के किचन की, रसोई की वेस्टेज पर भी आप इसे पाल सकते हैं। इसके अलावा जो पशुओं के बीच में छोड़ेंगे आप, वहां पर जो भी होंगे दाना दूध का चुनकर या फिर घास वगैरह खाकर, कीड़े वगैरह खाकर, वहां पर ये अपना जो है सही से गुजारा कर लेंगी। अगर आप इसे कमर्शियल लेवल पे करना चाहते हैं तो कमर्शियल स्केल पे शुरुआत के 15 से 20 दिन लगभग आप इसे प्री स्टार्टर फीड दें। इसके बाद आप इसे जो है अपने घर का मक्का, बाजरा वगैरह दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप बाजार से बनी बनाई फीड भी इसके अंदर ले सकते हैं। वेट पर्पस के लिए बहुत अच्छी ब्रीड है, आप इसका चयन कर सकते हैं। एक दो और छोटी छोटी बातें हैं जो इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। जैसे काफी किसान भाई पूछते हैं सर ये मुर्गी क्या अपना अंडे पे खुद बैठती है, खुद सेती है अंडा, तो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि ये ब्रीड अपना अंडे पे ऊपर खुद नहीं बैठती, खुद नहीं सेती। इसके लिए आपको इनक्यूबेटर का या हैचरी के अंदर अंडा लगाना पड़ेगा, तभी अंडे में से चूजा निकाल पाएंगे, नहीं तो ये मुर्गी खुद अंडे पे नहीं बैठती। इसके अलावा एक और छोटा सा सवाल है कि किसान भाई पूछते हैं सर इसका अंडा देने का टाइम क्या। काफी भाइयों को इसके बारे में कंफ्यूजन है जो नया फार्म शुरू करना चाह रहे हैं। जो पुराना करते हैं उनको तो पता ही है, जो नया फार्म शुरू करना चाहते हैं मैं बताऊं, सुबह 6 बजे से लेकर लगभग दोपहर के 3 बजे तक इसका जो है अंडा देने का समय होता है। इसके अलावा किसान भाइयों और भी बहुत सारी ब्रीड जैसे कि RIR, ऑस्ट्रालॉप,
ब्रॉयलर फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, लेयर फार्मिंग, इन सब के बारे में हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं आपके खुद के चैनल किसान जंक्शन पर। अगर आप अभी तक हमारी ऐप किसान जंक्शन के साथ नहीं जुड़े तो मैं चाहूंगा हमारी ऐप के साथ जरूर जुड़े। आप हमारी वेबसाइट www.kisanjunction.in के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ऐप के साथ जुड़ने का केवल इतना सा मकसद है कि कैसे हम पूरे भारत के किसानों को संगठित करें और कैसे हमारे द्वारा पैदा किया गया अनाज हम डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंचा सकें। हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।